हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की, सोनी की और डीसी की 2023 में आने वाली सारी मूवीज के बारे में और सारे सुपर हीरो टीवी शोज के बारे में। तो या 2022 तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम बात करना चाहिए 2023 के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को पूरी एंड तक देखना और सारी चीजें कवर कर लूंगा। पहले बता दूं, डेट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो चेंज हो सकती है, कोई भी डेट कंफर्म नहीं है। नए शोज ऐड किए जा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो, अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सोनी के साथ में और सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की, सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तीन मूवी हमें देखने मिलेगी 2023 में, जिसमें से पहली मूवी होने वाली है क्रेवन द हंटर। अब क्रेवन द हंटर जो है वो आएगी जनवरी के महीने में 13 तारीख को 2023 में, और ये कहानी होने वाली है क्रेवन द हंटर के बारे में। पहले प्रीवियसली जो सोनी का प्लान था ना वो ये था कि स्पाइडरमैन 3 में, जी हाँ, जो आप नो वे होम के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आपको क्रेवन द हंटर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्वल की जो डील हुई ना उनके साथ में, उसके बाद उन्होंने क्रेवन द हंटर की एक सेपरेट मूवी बना दी है। अभी एरन टेलर जॉनसन जो है वो ऑलरेडी इसकी शूटिंग कर रहे हैं और आई थिंक मूवी पूरी बनकर तैयार बैठी हुई है, और ये मूवी हम देखने मिलेगी जनवरी के अंदर। तो हाँ, तैयार रहना कि सोनी की एक मूवी आने वाली है। उसके बाद सोनी की सेकंड मूवी की बात करें तो वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। आप अगर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की बात करें ना, तो बेसिकली ये मूवी आनी थी इस साल अक्टूबर के महीने में, लेकिन फिलहाल इसको डिले करके जून 2 2023 कर दिया गया है, और ये मूवी अब हमें लगभग एक साल बाद देखने को मिलेगी। इस मूवी की बात अच्छी ये है कि इस मूवी को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो होने वाला है ये सेकंड पार्ट होने वाला है उसका, और मैं बहुत एक्साइटेड इस मूवी के लिए। हमें स्पाइडरमैन के मल्टीपल वर्जन देखने को मिलेंगे और नए नए पीटर पार्कर भी ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसका एक ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है और अब एक सेकंड ट्रेलर भी आना बाकी है, जिसके अनाउंसमेंट सोनी जल्दी ही कर देगा। बात करें अगर सोनी की थर्ड मूवी की, तो वो आने वाली है अक्टूबर 6, 2023 को, और इस मूवी का नाम होने वाला है मैडम वेब। मुझे इतना पता है कि मैडम वेब की कहानी आप देखने जाओ या ना जाओ, लेकिन डकोटा जॉनसन को देखने कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको देखने नहीं जाएगा। स्पेशली मैं तो यही देखने जाऊंगा डकोटा जॉनसन मैडम वेब कैसी लगती है। इस कहानी से ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि स्पाइडरवर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली है ना, उन सबको ये कनेक्ट करने वाली है। इसकी शूटिंग जो है वो भी ऑलरेडी चल रही है, इसके अंदर आपको 2-3 पीटर पार्कर के वर्जन देखने मिल सकते हैं, एडम स्कॉट भी इसके अंदर है, और पता नहीं कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो कि मैं देखना चाहता हूं। तो हाँ, ये मूवी आने वाली है अक्टूबर 6, 2023 को, जिसका नाम है मैडम वेब। अब हम बात करने वाले हैं डीसी की, यानी कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यानी कि डीसीईयू की, यानी कि डीसी स्टूडियोज की। आपको ऑलरेडी पता है कि डीसी का और डिस्कवरी का जो मर्जर है ना वॉर्नर ब्रदर्स के साथ में, वो ऑलरेडी हो चुका है, और इसके बाद शायद डीसी जो है एक नए डायरेक्शन में जाएगा, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, और आई थिंक आने वाली 2-3 वीडियो के अंदर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डीसी वाले अभी क्या प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन अगर बात करें मूवीज की, तो पहली मूवी जो कि आपको देखने को मिलेगी 2023 के अंदर, वो होने वाली है एक्वामैन 2, यानी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। ये मूवी आएगी मार्च 17, 2023 को, और ये एक्वामैन का सीक्वल होने वाला है। ऑब्वियसली इसके अंदर एम्बर हर्ड होने वाली है, और 2-3 कैरेक्टर नए हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है एक्वा लैड की कहानी को इसमें सेटअप करके दिखाया जाए, और मुझे लगता है कि इस मूवी की सक्सेस के बाद में ना, जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो अपनी लाइन पे वापस आ जाएगा। ये बात तो मैं ऑलरेडी पता है कि बेन एफ्लेक इज बैक एज बैटमैन इन दिस मूवी, और वो हमें वापस से देखने को मिलेंगे। आई एम टू मच एक्साइटेड, क्योंकि यार बैटमैन को कौन नहीं देखना चाहता है एक्वामैन के साथ में। उसके बाद आने वाली है जून 23, 2023 को द फ्लैश। अब फ्लैश के बारे में मैं क्या ही बोलूं, एज अ लेवल सिचुएशन आपको पता ही है, बट एक्टर साइड में और एक्टिंग साइड में मैं ये मानता हूं कि अगर ये मूवी एक अच्छी मूवी निकल के आती है ना, तो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को ये पूरे तरीके से चेंज कर सकती है, या फिर पूरे तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि उसको चेंज करेगी, बर्बाद नहीं करेगी, बट हाँ, ये आने वाली है जून 23, 2023 को फ्लैश मूवी फाइनली। 2018 में आने वाली थी मूवी, अब 2023 में आएगी। आई एम वेटिंग फॉर इट। उसके बाद डीसी वाले एक ऐसी मूवी बना रहे हैं, एक ऐसे कैरेक्टर पर जो भी इतना फेमस नहीं है, वो है ब्लू बीटल। ब्लू बीटल की जो मूवी आएगी ना, ये आएगी 18 अगस्त 2022 को, और मुझे इस मूवी से ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये एक टीन सेंट्रिक मूवी होने वाली है, जैसे कि शज़ाम फर्स्ट थी, वो भी एक टीन मूवी थी, ये भी एक टीन मूवी होने वाली है। और मुझे लगता है कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना, जब ये ब्लू बीटल मूवी आएगी ना, इससे जो नए हीरोज है ना, उनका सेटअप किया जा सकता है। तो हाँ, अगस्त 18 2023 को आपको ब्लू बीटल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के शोज के बारे में। डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का 2023 में कोई शो नहीं आने वाला, या नहीं आने वाला।
वैसे दो तीन शो आने वाले हैं, लेकिन या उनको डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में काउंट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है 2023 में पीस मेकर देखने को मिलेगा, बट हाँ पीस मेकर का सेकंड सीजन भी है ना वो 2024 में आएगा। 2023 में डीसी का मूवी के अलावा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं किंग ऑफ सुपर हीरो मूवीज एंड शो यानी कि मार्वल के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि मार्वल ने अपने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर बहुत सारे प्लान्स को अनाउंस कर दिया है, तो फटाफट से रन थ्रू करते हैं उसके अंदर। मैं आपको बताता हूं 2023 के अंदर मार्वल की कौन कौन सी मूवी आने वाली है और कौन कौन से टीवी शोज आने वाले हैं। स्टार्टिंग विद एंटमैन एंड द वॉस क्वांटम मेनिया। एंटमैन एंड द वॉस क्वांटम मेनिया जो है वो आने वाली है फरवरी 17 2023 को, यानी 2023 की शुरुआत होते ही फरवरी 17 को आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें कैंग द फकिंग कॉन्करर देखने को मिलेगा, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो सीक्रेट वॉर्स की कहानी है ना वो कहीं ना कहीं इस मूवी से इन्फ्लुएंस होने वाली है। मैं फाइनली देखूंगा कैंग द कॉन्करर को, आप लोग देखेंगे कैंग द कॉन्करर को, और हमें पता चलेगा कि वो एंटमैन की कैसे फाड़ने वाला है, क्योंकि एंटमैन तो उसकी फाड़ नहीं सकता अनलेस वो थानोस वाले मुंह मारे। उसके बाद मई 5 2023 को आने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर इसका ऑलरेडी एक टीजर ट्रेलर जो था वो लीक करके हमने देख लिया था, आई थिंक सबने देख लिया होगा, ऑन इंटरनेट पे अवेलेबल था। उससे हमें पता चल चुका है कि ये जो कहानी है ना बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है, कुछ कैरेक्टर मरने वाले हैं, और फाइनली ये मूवी बहुत पहले आने वाली थी अब ये आएगी 2023 के अंदर। मैं सच बता रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, जो कि आपको मई के मध्य में देखने मिलेगी 2023 में। फिर आती है द मार्वल्स, जो कि आपको देखने मिलेगी जुलाई 28 2023 को। अब इमान विलानी का मिस मार्वल आपने ऑलरेडी देख लिया अपने खुद की सीरीज में, उसके अलावा मोनिका रैम्बो को आपने देख रखा है, और ब्री लार्सन एज कैप्टन मार्वल वो तो आपने देखी ही होगी कहीं ना कहीं चलती फिरती। ये तीनों हमें साथ में मिलते हुए देखने मिलेंगे द मार्वल्स मूवी के अंदर, जो कि जुलाई 28 2023 के अंदर आने वाली है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात बताऊं ना तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्री लार्सन के अलावा जो कैरेक्टर होने वाले हैं उनका इंपैक्ट इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है। आई डू नॉट लव ब्री लार्सन बट आई डू नॉट हेट हर ऑल्सो। मैं सिर्फ कहानी को कहानी से इमेजिन करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि हाँ अगर कहानी अच्छी होती है तो बहुत मजा आने वाला है। इसके कैरेक्टर बहुत मस्त होने वाले हैं, इसमें नए नए विलन होने वाले हैं, शायद हमें माइकल कॉर्वैक भी देखने को मिल सकता है, शायद जो ब्लू मार्वल है वो भी देखने को मिल सकता है, और नए नए कैरेक्टर इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और हाँ इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन तो होने वाले ही हैं, तो उनको देखने के लिए कौन नहीं जाएगा। तो हाँ जुलाई 28 2023 द मार्वल्स। उसके बाद मार्वल की एक नई सोलो मूवी जिसमें हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने सुना था। मैं बात कर रहा हूँ ब्लेड की। जी हाँ मार्शल अली की जो मूवी है ना ये 2019 में ही अनाउंस हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसका कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन अब नवंबर 3 2023 को आपको ब्लेड मूवी देखने को मिलेगी स्टार्टिंग मार्शल अली, जिसमें आई थिंक बहुत सारे कैरेक्टर और जुड़ सकते हैं लाइक मून नाइट, गोस्ट राइडर और पता नहीं कौन कौन, लेकिन हाँ ब्लेड की मूवी आ रही है अगले साल नवंबर में। बात करेंगे टीवी शोज की, तो पहला शो आने वाला है स्प्रिंग 2023 में सीक्रेट इन्वेजन। सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसी कहानी है जहां पर हमें बताया जाएगा कि जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं वो साले स्क्रल्स हैं। अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी लोग हमने देखे हैं जो कि स्क्रल्स हो सकते हैं, तो हाँ स्प्रिंग 2023 के अंदर जो फर्स्ट शो आपको देखने मिलेगा वो होने वाला है मार्वल का सीक्रेट इन्वेजन, जिसके लिए आई एम सो डैम एक्साइटेड। फिर समर 2023 के अंदर आपको देखने मिलेगी एको की सोलो सीरीज। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि एको बहुत ही मस्त कैरेक्टर था हॉकआई के अंदर, किंग पिन उसके बाप की तरह है, और इस शो के अंदर हमें फकिंग डेडेविल भी देखने को मिलने वाला है, तो उनके लिए तो देखना ही पड़ेगा, यानी किंग पिन, डेडेविल, एको और पता नहीं कौन कौन इस पूरे शो में होने वाले हैं, जिसके लिए मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये आने वाला है समर 2023 में। समर 2023 के अंदर एक और शो आने वाला है जो कि मार्वल का डिज्नी प्लस का अभी तक का बेस्ट शो था, मैं बात कर रहा हूँ लोकी की। लोकी रिटर्न करने वाला है अपने सीजन 2 के साथ में, और इस पूरे सीजन में ना बहुत सारी चीजें होने वाली है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के अंदर जो हम कैंग देखेंगे ना शायद वही कैंग हमें वापस से इस सीरीज के अंदर देखने मिलेगा, और कैंग ऑब्वियसली एक बिग बैट होने वाला है लोकी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लोकी कैंग से कैसे बढ़ेगा, कैंग की सारी चीजों को वो किस तरह समझेगा, मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ। लास्ट वाले सीजन के अंदर हमने मल्टीपल लोकी देखे थे, इस सीजन के अंदर भी मल्टीपल लोकी देखने को मिल सकते हैं और नए नए कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। समर 2023 के अंदर आपको लोकी देखने को मिलेगा। वकांडा फॉरएवर के अंदर हमने एक कैरेक्टर को देखा जिसका नाम है रिरी विलियम्स, और फॉल 2023 के अंदर आपको रिरी विलियम्स की खुद की सीरीज देखने को मिलेगी जो कि है आयरन हार्ट। अब काफी लोग कह रहे हैं कि आयरन मैन को रिप्लेस कर देंगे मार्वल वाले, ऐसा नहीं है, उसकी लेगेसी पे ये बिल्ड अप ऑन करेंगे, और मुझे लगता है कि आयरन हार्ट भी एक अच्छी सीरीज हो सकती है। पेपर पॉट्स यानी कि ग्वेल पाल्ट्रो जो है वापस आ सकती है, हैप्पी होगन वापस आ सकता है, और दो तीन कैरेक्टर और देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है हमारे स्टार्क की बेटी भी इसके अंदर देखने को मिले, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फॉल 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगा आयरन हार्ट। और ये है गाइस वो सारे के सारे टीवी शोज और मूवी जो कि सोनी मार्वल और डीसी निकालने वाला है
मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको लिस्ट पकड़ा दूं पूरी पूरी, ताकि आपको चार पांच वेबसाइट पर न जाना पड़े, एक ही वीडियो में आप सब समझ जाओ। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं हर शो के लिए और मूवी के लिए। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि शो की जो डेट्स हैं और मूवी की जो डेट्स है ना, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं। कुछ शो ऐड भी किए जा सकते हैं और कुछ शोज को यहां से हटाया भी जा सकता है। तो हाँ, वो याद रखना, कहीं एक साल बाद आप मुझे बोले यार ये शो तुमने बोला था, ये तो आया ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।